आम आदमी पार्टी ने स्वच्छता अभियान में किए नगर पालिका स्वच्छता अभियान के खुलासे। हर वार्ड में जाकर वार्डवासी से पूछ रहे रहवासी की समस्या। शहर के हर वार्ड गलियों में जाकर आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है और वहां उपस्थित रहवासियों से वार्ड की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली जा रही है, जिससे नगर पालिका के स्वच्छता अभियान की पोल भी खुलती नजर आ रही है। अभी तक पार्टी के सर्वे में लगभग अधिकतर वार्डो में वहां उपस्थित रहवासी ने बताया कि सड़कें, नालियां और साफ सफाई की व्यवस्था अधिकतर खराब ही है। शहर के वार्डों की समस्या तो एक अलग बात है, नगर पालिका की खुद की नाली में कीचड़ व शराब के खाली बोतल भरे पड़े हैं। तो वहीं नगर पालिका को स्वच्छता अभियान में शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर पुरस्कृत भी किया जा चुका है। आम आदमी पार्टी के स्वच्छता अभियान अंतर्गत नगर पालिका द्वारा की गई साफ सफाई की अपोल खुलती नजर आ रही है। निचले बाजार से शिवाजी नगर की सड़क की हालत इतनी खराब है कि राहगीरों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ता है। हार्ट रोड रपटे पर मीट मार्केट होने से वहां से निकलने वाले राहगीरों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है, जबकि मीट मार्केट के लिए स्लॉटर हाउस नगर पालिका के द्वारा बनाया गया था, जो कि अब खाली पड़ा हुआ है, जिसमें अब किसी दबंग द्वारा कब्जा कर खुद की बकरियां पालने की खबर सामने आ रही है, जिस पर ना अभी नगर पालिका का ध्यान है और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी का। तो अब रहवासियों की समस्या को कौन सुनेगा? हमारा 15-20 दिन का जो अभियान हमने नगर पालिका क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में जाने का पूरी टीम के साथ प्लान बनाया है और हम इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं। जब से नालियां, यहाँ की गुना की सड़कें और गुना में आवासहीन लोगों के लिए जो आवास की योजना है और गुना में गंदगी का जो माहौल है, तो ऐसे कई क्षेत्रों में हमने अभी 6-7 वार्डों तक हमारी पहुंच गई है। वहां पर जब हमने वहां के निवासियों से पूछा कि यहां पार्षद आता है क्या, उन्होंने कहा पार्षद नहीं आता। विधायक जी कभी आए साल, 2 साल 3 साल में, उनने कहा नहीं आए। सांसद जी कभी आपकी गलियों में घूमे, उन्होंने कहा नहीं घूमे। तो यहाँ मंत्री जी भी हैं, वो भी कभी किसी भी गली में कहीं भी गंदगी या उनकी समस्याओं को लेने नहीं गए। तो इस गुना के अंदर सांसद, मंत्री, बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये आखिर इतने होने के बाद इन गांव मोहल्ले की समस्याएं, वार्डों की समस्या क्यों दुरुस्त नहीं हो रही? तो मेरा भी ये मानना है कि जितनी सड़कें बनी हैं उनमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, नालियां बनी वो भी बिना इंजीनियरिंग के लाइनें बनाई हैं जिसमें भराव है और निकासी के साधन नहीं। तो आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है और सबसे मिल रही है, उनका रिस्पॉन्स मिल रहा है। उनने कहा है कि साहब हमारी आप समस्याओं का निदान करवाइए। कई जगह बताया गया कि आवास में पैसा मांगा जाता है, नालियां सफाई नहीं की जाती हैं, कर्मचारी 600-800 हैं, अगर वो गुना में सफाई करें तो मुझे लगता है कि नंबर वन आया जा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि आवास योजना के अंतर्गत पैसे की मांग की जा रही है, तो इसमें कितने पैसों की मांग की जा रही है? ऐसा बताया है कि आज का एक वीडियो भी है मेरे पास, उन्होंने कहा कि हमसे 30-40 हज़ार रुपये मांगा जाता, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, अब हम गरीब हैं पैसा नहीं दे सकते। तो ऐसे कई लोगों ने दबी जवान में भी बताया है। और मुझे लगता है कि सभी जानते हैं कि बिना पैसे के यहाँ आवास मिलना संभव नहीं हो रहा है, ये बहुत गंभीर समस्या है और ये प्रधानमंत्री की एक योजना है जिसको ये फलीता लगा रहे हैं, इस पर बदलाव आना चाहिए। और पूरी नालियाँ बरसात के पहले, चाहे वो 4-4 फुट भरी हुई हों, पूरे रोडों की सफाई, और सबसे ज़्यादा रावगढ़ बिल्डिंग क्षेत्र में और ये आपका स्लॉटर हाउस में, गुलाब भवन, श्रीराम टाकीज के पास, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनको गिनाया नहीं जा सकता, गंदगी का आवार बना है। वार्ड दो न्यू सिटी कॉलोनी में तो हजारों प्लाट ऐसे ताकतवर लोगों के हैं जहाँ गंदगी का अंबार लगा है, वहाँ किसी तरह की बाउंड्री वॉल नहीं की। हमारी मांग है कि सब चीज़ों में प्रशासन, शासन और CM नगर पालिका कार्रवाई करें और बदलाव लाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बाड़ों में गई, आज हमारा 21वां दिन है जो हम बाड़ों में जाके सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखा बाड़ों में बहुत ही खराब हालत है वहाँ की। अगर आप बाड़ों में नालियों की व्यवस्था देखें तो नालियाँ कचरे से भरी हुई हैं। बाड़ों में अगर आप देखते हैं खाली प्लॉट हैं जिनमें नालियों का गंदा कचरा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, इससे मच्छर और बीमारियां फैल रही हैं। कई जगह हम देखते हैं रहवासियों के द्वारा हमको बताया गया है कि जो खाली प्लॉट होते हैं उनमें मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं, जो कि सड़ते रहते हैं, जिससे भी बीमारियों को फैलने का अंदेशा होता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि यह जो स्थिति है
न केवल ऐसी ऐसी जगह पर जहां जन सामान्य रहते हैं, बल्कि ऐसी जगह पर भी यह हालात हैं जहां पर जन प्रतिनिधि रहते हैं, पूर्व विधायक रहते हैं, वहां भी हमने इस तरह की स्थितियां देखी हैं। नगर पालिका प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, और हम देख रहे हैं विगत दिनों में खबरें भी आती हैं, गुना नगर पालिका जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना जो है स्थान बताती हैं। अभी त्रिमासिक जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें प्रथम स्थान गुना का आया था। तो जब यह स्थितियां हम देखते हैं तो हम पाते हैं क्या यह जो जो अभियान नगर पालिका प्रशासन द्वारा चलाया जाता है, जो स्वच्छता सर्वेक्षण चलाया जा रहा है, क्या यह केवल कागजों में हो रहा है? वास्तविक स्थिति से हम जनता को अवगत करा रहे हैं और नगर पालिका प्रशासन को भी हमने अवगत कराया है कि वास्तविक स्थिति वार्डों में कुछ अलग है। और पता नहीं मुझे क्या यह अभियान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, यह आगे आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी इस अभियान में लग चुकी है और आगे भी इस अभियान में जो है पूरी तरह से समर्पित है, और इस अभियान को आगे हम इस तरह से निरंतर चलाते रहेंगे। इसमें हम जनता का सहयोग चाहते हैं, जनता हमसे जुड़ सकती है, जनता अपनी समस्याओं को हम तक बता सकती है, बस यही हम अपेक्षा जनता से रखते हैं। और जनता की इन समस्याओं को हम शासन प्रशासन और सरकार तक ले जाएंगे, यही आशा करते हैं जनता से कि जनता का सहयोग हमको इस तरह से मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर अमित शर्मा, मैं गुना लोकसभा उपाध्यक्ष हूँ।